वो जो अभी इस राह गुजर से चाक गरीबा गुजरा था उस आवारा दीवाने को एजाज खान कहते हैं। ये जो अफसर शाही का निजाम यहां मोहर में चलता है, घर किसी का उठा बैंक में अकाउंट में दूसरे के पैसे, ये हमारे इस निजाम का एक हिस्सा बना हुआ है। यहाँ पर जमीन किसी की, मुआवजा कोई नहीं। इस निजाम को आपने फैसला करना है कि बदलना है कि नहीं बदलना। एक बात बता के बताओ कि आप बदलना चाहते हो या नहीं बदलना चाहते हो। ये खराबी है कि नहीं है? और इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बजा रहा हूँ दिल से बड़ी निगाहों के हवाले से वो चेहरे याद रखता हूँ, इसमें आपको कोई सवाल होगा या किसी को कोई सवाल होगा, अगर इसमें कोई सवाल समझता है तो मेरे ख्याल में उसकी दाने सही तरीके से काम नहीं कर रही। आज ये सवाल ही नहीं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, कैसे करें क्या नहीं, इस वक्त हल निकालने के लिए जो बेहतरीन तरीका नजर आता है उसकी तरफ जाना चाहिए। और बेहतरीन तरीका समझने की जरूरत है वक्त के मुताबिक। अगर आप समझ में नहीं समझोगे तो बहुत मुश्किल आगे भी आ सकती है। यहां पर बड़े बड़े लोगों की जुबानें थी, बहुत बोल लच्छेदार तकरीर करने वाले लोग थे। आज दो तीन दिनों से तो बहुत लच्छेदार तकरीरें शुरू हो, लेकिन पिछले चार पांच साल में वो तकरीर करने वाले कहीं नजर नहीं आते थे। ये बात भी हमें समझनी चाहिए। आज तो बोलते हैं, आज बाजार में खड़े होकर भी बोलते हैं, आज आगे भी खड़े होकर बोलते हैं, आज रास्ते में चलते भी बोलते हैं। खामोशी क्यों? कोई किसी चीज की तरफ गौर नहीं करते। ये बात के नहीं, बात हम लोग साथी हैं, साथियों से इसी तरह से बात। मेरा मतलब आज की मीटिंग का था कि हम बैठ के बात करें, आपने माइक शुरू कर दिया, मेरे साथी जज्बाती हो जाते हैं जल्दी, वो दूसरी बात थी। लेकिन सबसे अच्छा तरीका कैसे मिल के बात करें, इसीलिए मैंने मुख्तसर मीटिंग रखी। सब लोगों को नहीं मिलाया कि मुख्तसर दो दो तीन तीन साथी आओ और बैठ के बात करें। उस माहौल को जब आप उस आवाज को चुनना चाहेंगे, उस आवाज को चुनते हुए आपको बहुत सी मुश्किलें आएंगी। आपको जिस जो पहला कदम जब आप उठाओगे, ये आपको तय करना है कि उसी वक्त आपकी मुश्किलें शुरू हो जाएंगी। मैं जहां तक समझता हूं, दीनी लिहाज किस पे आजमाइश नहीं हुई, किस पे रुकावटें नहीं हुई? आपको किसने कहा कि आपके सामने बिल्कुल ताजा तरीन चीज आएगी और उसको समझना? शैतान भी यहीं पे है। अगर कहा होता कि तुम मुसलमान पैदा हो गए तो बस खत्म सब कुछ, आप जो मर्जी कर लो, उसके बाद नहीं। उसमें बहुत सी दुश्वारियां भी आती हैं जिनकी उस मकसद को हासिल कर। इसी तरह दुनिया के इस मकसद को हासिल करने के लिए भी बहुत लोग आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, यहां से वहां, वहां से यहां। ये आपको लेके चलना है। और जब खास तौर पर इंकलाब लाना हो, कौन सा इंकलाब? मुश्ताक साहब आराम से आया? नहीं अभी तक आया? दुनिया की तारीख में कोई इंकलाब बता दो जो बड़े मजे से आया। वो आपके सवाल यहाँ पर हमीद साहब करके हो, उनको जवाब देने से बेहतर अपने अंदर इंकलाबी शऊर पैदा करो, जोश पैदा करो, वलवला पैदा करो कि हमने यहां पहुंचना है भाई, चाहे कांटों से गुजरे, चाहे पत्थरों से गुजरे, चाहे ऊपर से पहाड़ों के तूफान आते हों, हमें रुकना नहीं। जब हम रुकने का नहीं सोचेंगे, हम उस असेंबली में इंशाल्लाह सब पहुंचे हुए होंगे। अल्लाह ताला जदोजहद को देखता है, वो भी जदोजहद जो हक के रास्ते पे हो, जो मजलूम की लड़ाई लड़ने के लिए हो, जो जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करने के लिए हो। अगर इसमें किसी को कोई शक है तो मुझे सवाल कर सकते हैं। किसी को कोई शक है? हमने भी एक जदोजहद शुरू की,
रुकावटें शुरू हुई। रुकावटें को देखकर मैं एक दिन में ऊपर उठूंगा, दूसरे दिन ऐसे सर झुकूंगा, क्या निकला क्यों? यहाँ अफवाहबाजी, यहाँ पर बातें, अजाम तराशी, ये सब चीजें जो हैं ये चलती रहती है। यहाँ ये सब चीजें चलती हैं। मुझे एक शेर में पढ़ूंगा यहाँ पर, क्योंकि सब पढ़ रहे थे तो मुझे भी मजा आने का पढ़ने का। कहते हैं, दिल की बात लबों पर लाकर अब तक हम दुख सहते रहे। हमने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं। बीत गया सावन का महीना, मौसम ने नजरें बदली। बीत गया सावन का महीना, मौसम ने नजरें बदली, लेकिन इन प्यासी आंखों से अब तक आंसू बहते हैं। एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा अल्जाम नहीं। दुनिया वाले दिल वालों को और भी बहुत कुछ कहते हैं। जिनकी खातर शहर भी छोड़ा, जिनके लिए बदनाम हुए। जिनकी खातर शहर भी छोड़ा, जिनके लिए बदनाम हुए, आज वही हमसे बेगाने बेगाने रहते हैं। वो जो अभी इस राह गुजर से क्या गरीबा गुजरा था, उस आवारा दीवाने को एजाज खान कहते हैं। अपनी नीयत साफ रखो, जो कहने वाले हैं उनको कहो अपनी नीयत, अपने आप पर कंट्रोल रखो। सवाल जो आप 25 के बाद करेंगे, कौन कहां कौन क्या करेगा, कौन क्या, हर सवालों का जवाब सामने आएगा। वो कहता था, मेरा एक दोस्त होता था प्रेम सिंह जी, वहां मेरा साथी होता था, क्या कहते हैं इसको, जगह है ये जेम्स लाल डैम है ना, इसके ऊपर धरान उसकी जगह का नाम है। वो कहता है, परमान को प्रतीक बताने की जरूरत नहीं होती, हकीकत जो है उसको हकीकत लिख के देने की जरूरत नहीं होती, होती है। तुम्हारा करदार बताता है कि तुम कहां से आए, कौन नया है यहाँ, है कोई नया, कौन नया मुझे बताओ। हम में से जो जितने भी सियासतदान इधर है, कोई नया है? आप मुजफ्फरगढ़ में, मैं नया हूँ, और कोई नया जो जो भी तैयारी कर रहा होगा, जो सामने आए हैं, मैं हर किसी का नाम है, कौन से नया, किसके अमल को आप नहीं जानते, किसके काम को आप नहीं जानते, आप जानते हैं कौन कहां कब जुड़ा, कौन नहीं जानता। अगर मैं यहां पर तकरीर सिर्फ मिजाब करने लगूं, मेरा वक्त तो उसी में जाया हो जाएगा। मैंने तो इंकलाब लाने के लिए आ गया, मैं किसी सफाई या किसी सवाल करने के लिए आगे नहीं आया। सफाई या सवाल उसकी बात करें, लेकिन वक्त की जरूरत, वक्त की आवाज, सूरत हाल को सामने करने के लिए हमें क्या जरूरत है, किस आवाज की जरूरत है, वो आप लोगों ने, वो जो आवाम गुलाबगढ़ है उन्होंने फैसला करना है, जम्मू कश्मीर की आवाम ने फैसला करना है। ऐसा ना हो, खुदा ना करे, मैं कहूंगा कि हम आवाज बनाते बनाते बे आवाज लोगों को वहां पर भेज दें। वॉइस कहते हैं, डेमोक्रेसी इज द वॉइस ऑफ द पीपल, कहीं हम वॉइस लेस पीपल ना हो जाए, इसको फिक्र करने की जरूरत। हुआ क्या यहां पर, साथियों ने बड़ी तफसील से बात की, ये काम हुआ, वो ही काम हुआ। डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, एक तरीकाकार है, ये 1947 से शुरू हो रहा है। कहीं सड़क बनी, कहीं नहीं बनी, कहीं बिजली गई, कहीं नहीं गई, कहीं वक्त पर आप वहां पहुंचे, कहीं नहीं गए, उससे फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त एक मुख्तलिफ जंग में हम फंसे हुए, हमें पता है हमने क्या किया, हमें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, वो सफाई वक्त खुद दे देगा। वो जब उस जगह से तुम गुजरोगे, मेरे 20 साल
मैं रहा 2002 से 2000 अभी भी अल्लाह के फजल से उस एरिया के किसी इलाके का नुमाइंदा हूँ, आज भी नुमाइंदा। ये अल्लाह का करम है कि 2002 से 2024 तक लगातार किसी जगह का नुमाइंदा। मैंने कभी पत्थर या कैंची लेकर मैं उस चीज को बताने के लिए नहीं, लोग खुद मुझे साथी कहते थे आप इनॉग्रेशन करो। जब तुम चलोगे इनॉग्रेशन हो जाए, जब तुम्हारी तकलीफ अगर ढाका की तकलीफ दूर नहीं होगी, इनॉग्रेशन करके मैं क्या करूंगा, फीता काट के मैं क्या करूंगा, कहीं बिजली नहीं जलेगी मैं फीता काट के क्या करूंगा। इसलिए जब लोगों की तकलीफें दूर होंगी उस पर वो खुद सोचेंगे कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, वो दुआएं भी देते हैं। और आज उसी दुआओं का नतीजा है कि आज अक्सर लोगों की जो उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई उन्हीं दुआओं का नतीजा है। बहुत से साथी जो काम कर रहे हैं इस वक्त अंदर, आज मैं कहता हूँ आपको हिसाब भी नहीं है कि कितने लोग काम कर रहे हैं जिनको मेरे चेहरे से देखा भी नहीं अभी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको चेहरे से मैं जानता ही नहीं, किसी की आवाज सुनी, किसी की आवाज भी नहीं सुनी अभी तक, वो लोग भी काम कर रहे हैं। तो ये मेहनत थोड़ी है, ये किसी और की मेहनत थोड़ी है, ये तो उसका कर्म है। वो चाहता है कि ये अगर लोग आपस में जुड़ जाए तो हम कहते हैं हर सुबह के बाद शाम होती है, हर शाम के बाद सुबह होती है। हमने बड़ा अंधेरा देखा है ये कुछ बरस, बहुत अंधेरा देखा, अब सुबह होने का वक्त है। अभी भी अगर हम बल्ब जला के ढूंढेंगे कि सूरज कहां से चढ़ा तो फिर वो दूसरा शेर मुझे पड़ा, ये चांद यहां ना निकला कर ये अंधों की बस्ती है, कहीं ऐसा ना हमें कहना पड़े। यानी ऐसा ना हो कि कभी जब असेंबली में लोग पहुंचे तो हमें वो गजल पढ़नी पड़े उस वक्त कि ये चांद यहां ना निकला कर ये अंधों की बस्ती। अब पूरी नहीं पढ़ूंगा, वक्त उसी में जाए। इसलिए ये साबित करना है कि हम रोशन जहन लोग हैं, ये साबित करना है कि हम सोच रखने वालों, बहुत सोच। मैं लोगों को कहता था बड़े अफलातून होते हैं, बहुत लोग मिलते हैं जब गवर्नमेंट में आप होते हो, मिनिस्ट्री में होते हो, बहुत खुशामदी भी होते हैं, बहुत हमदर्द भी होते हैं, बहुत तरह के लोग मिलते हैं। मैं कहते हैं ये हमारे खून गुलाबगढ़ के लोगों को इतना सीधा भी नहीं समझो जितना आपने ले लिया। इन्होंने बहुत सी दुनिया, बहुत मिट्टी 1990 से लेकर आज तक देखी है, कितनों को इधर से ऊपर से निकल गए, बहुत सी चीजें। अब ये खौफ खाने वाले भी नहीं है, अब किसी चीज से अब खौफ ज्यादा होने वाले नहीं है, अब खौफ देने वाले को खौफ ज्यादा होने की जरूरत है, और तभी वही बुखलाहट होती है, उसी को बुखलाहट कहते हैं। हमने मेरे खानदान ने साबित किया, ये जो अफसरशाही का निजाम यहां माहौल में चलता है, आपको सिर्फ कहा दफ्तर दरमाड़ी के, दरमाड़ी से इधर, यहां से ये हुआ, वहां से ये हुआ, इस सियासत में हम उलझे रहे कितने साल उलझे, ये है कि नहीं, हकीकत जो हकीकत है इन्हीं चीजों में उलझे रहे। लेकिन जो दफ्तर थे उनको सही कैसे चलाना था वो किसी ने नहीं सोचा, हम में से किसी ने नहीं सोचा, जितने हम यहाँ मौजूद है सब उसके लिए हम उसके जिम्मेवार हैं। अगर किसी पुलिस थाने में एक गरीब आदमी की सुनवाई ना हो, किसी तहसील के दफ्तर में एक गरीब आदमी की सुनवाई ना हो, किसी अदालत में इंसाफ का जो ना मिले, जो यहां पर जिसको कहते हैं हम ये फलानी अदालत है, ये फलानी अदालत, किसी दफ्तर में हक वाले को हक ना मिल रहा हो, मुकाम के बगैर कोई मुकाम किसी का बन रहा, जमीन किसी की मुआवजा कोई ले, घर किसी का उठा, बैंक में अकाउंट में दूसरे के पैसे, ये हमारे इस निजाम का एक हिस्सा बना हुआ है। यहां पर इस निजाम को आपने फैसला करना है कि बदलना है कि नहीं बदलना। चलिए चलिए बताओ कि आप बदलना चाहते हो या नहीं बदलना चाहते, ये खराबी है कि नहीं है, और
ہم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی لالچ نہیں, ہم پیشہ ور سیاستدان ہیں, ہم نے نہ بزنس کیا, نہ ایجنڈی کی, نہ نوکریاں کی, نہ کچھ کی. ہم سیاست چنے تو سنیے, میرے باپ نے بھی چنے نوکری چھوڑ کے سیاست کی, تو رہائی شماری میں اندر بھی رہے باہر بھی رہے. 77 میں ایک انقلاب لایا, اس وقت یہاں پر اسی ماحول کی ایڈمنسٹریشن, یہ لون صاحب جو گواہ ہے, دوسرے لون صاحب گواہ ہیں, باقی کچھ جو اس عمر کے لوگ ہوں گے وہ گواہ ہیں. اسی ماحول کے اندر وہ نظام بدلا گیا تھا کہ نہیں گیا تھا؟ بدلا تھا, سنوائی ہونے لگی تھی. اس افسر شاہی یہ جو ملٹنسی کے دور سے بعد جو سلسلہ شروع ہوا, اب پھر ضرورت ہے کہ اس افسر شاہی کو بدلو, اس نظام کو بدلو, اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کوئی تمہیں میں گارنٹی دیتا ہوں, اگر آپ کا اتنا قطرہ بہے گا میں اپنا پورا خون دے دوں گا اس کے لیے. میں آپ کی جد و جہد کرنے کے میں دیکھوں گا, سب سے پہلے لوگ مجھے, ان کو مجھے فیس کرنا پڑے گا, پھر وہ آپ تک پہنچے گا. کون سی بات, بزدلی کی لڑائی ہم نے کبھی نہیں لڑی, بددیانتی کی لڑائی ہم نے کبھی نہیں لڑی, ہم نے جانے جانے سے کام کیا, جو زبان پر بولا اس کو سامنے ہم لانے کی کوشش کی. اگر تم سے نہیں کوئی چیز ہوتی تو تم لارے لپے ہو, کہتے لارے لپے لارے لپے لائی رکھنی اڈی کھوڑا اڈی کھوڑا لائی رکھنی, ہوتا ہے گانا نا, کہیں سے اڈی کھوڑا, کہیں سے لارے لپے, کہیں سے چوڑیاں, کہیں سے کچھ, یہ کام چلنے والا نہیں. آپ لوگوں کے ساتھ بہت مصیبتیں ہوں گی. آج کا نوجوان حقیقت کو پہچانتا ہے, کس کو نہیں پتا کیا کر سکتا ہے, کون کیا کر سکتا ہے اس جوان کو پتا ہے. ارے اگر میں یہاں پر کہوں گا کہ میں یہاں سے ماحول سے فلائٹ امریکہ کو لگاؤں گا, آپ کو پتا ہے اس کے پاس کی بات کہاں سے بھائی, جہاں ابھی ہیلی کاپٹر ہی نہیں بیٹھ سکتا وہاں سے ہوائی جہاز کا امریکہ اڑے گا. اس طرح کے وعدے, وہ وعدے حور بہت کچھ دیکھنے کو ملیں گے. ان چیزوں کے لیے ہمیں وہ چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے گھر میں ہر طرح سے کوشش, کسی کو اچھی لگی کسی کو بری لگی, آپ کے سامنے اب میں کوئی سوال جواب نہیں, میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. اگر کسی چیز, یعنی باپ کے کام کا ذمہ دار بیٹا ہوتا, ہم لوگ ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے ہم نے نہیں کیا تو آپ بتا سکتے ہیں, فیصلہ ہے آپ کس طرح سے لڑو. اگر آپ پیٹ پر پتھر باندھ کے چل سکتے ہو تو اس وقت عہد کرو, میں بھی عہد کروں گا کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ چلوں گا. مال بس سونو ہے تو مڑ کے آگے تقریر کر دیا, پھر نہیں چلتی, پھر بات نہیں ہوتی. اس لیے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, یہ آپ ماحول عمران اس کے لوگ زیادہ ماحول پروان کا کرو, اللہ ہے کہ نہیں بدل. ٹرو تحصیل والوں کو پتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے, چسانا تحصیل والوں نے طے کیا ہے ہم نے کیا کرنا ہے, گلاب گڑھ کے علاقے کے لوگوں نے طے کیا ہے ہم نے کیا کرنا ہے. صرف آپ ابھی طے کرنے سے سوچ رہے ہو کہ ہم نے کرنا کیا. اب آج کیا ہوگا, مجھے فون آئے اجاز صاحب یہ ٹکٹ آئی نہیں آئی, پرانی چیز آئی نہیں آئی, ہم پوچھتے ہیں. میں نے ٹکٹ کبھی ڈھونڈی نہیں, ٹکٹ لوگوں کے ہاتھ میں, سب سے پہلے رب کے ہاتھ میں, ٹکٹ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. کس نے جو اس نے ٹکٹ ڈھونڈی تو اس کو مل گئی. یہاں پر تو کہتے ہیں سب چیز سامنے ہے.